नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वही दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस सोनिया पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी के अंदर शामिल होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में 3 दिन पहले ही सर्वदलीय जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ में हुई पीएम मोदी की बैठक के बाद में लगातार कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती से लगाकर फारूक अब्दुल्ला और गुपकार गैंग के कई बड़े राज खोल चुके गुलाम नबी आज़ाद, जहां राज्यसभा से आज़ाद होने के बाद पीएम मोदी के साथ लगातार उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। इस बीच में अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने आज पीएम मोदी की अगुवाई के अंदर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने का बड़ा बयान सामने आ रहा है मीडिया सूत्रों के। जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ में भी बड़ा प्रदर्शन जारी है। तो इस बीच में अब कांग्रेस पार्टी के लिए सोनिया गांधी की मुसीबतें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। गुलाम नबी आज़ाद और CWC की बैठक के 23 बड़े नेताओं ने पहले भी बगावत कर चुके हैं, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद के तो हटाए जाने की मांग भी कर चुके। यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ में वो अपना लेटर पेड भी लिख चुके हैं। और अब जो बड़ी खबर आ रही है सामने, वो कांग्रेस पार्टी को हिलाने वाली खबर है। एक तरफ पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण राज्य और इलेक्शनों को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर के गुपकार गैंग के नेताओं के साथ में बड़ी बैठक भी कर रही है। महबूबा मुफ्ती के साथ में हुए इस खुलासे के बाद में गुलाम नबी आज़ाद ने बयान देते हुए कहा था कि जल्द जम्मू कश्मीर को अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर अगले चुनाव भी होंगे। इस बीच में कांग्रेस के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ भी कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं और अब गुलाम नबी आज़ाद ने भी कांग्रेस के खिलाफ में अपना बड़ा परचम और दाव खेल दिया है। महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी से लगाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।